गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? क्लास 9 में, विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जब से मुझे पता चला है कि 9वीं क्लास का यूनिट टेस्ट है और इस यूनिट टेस्ट में टोटल 4 लेसन आने वाले हैं, दूसरा, पांचवा, आठवां, चौथवा, हालांकि पांचवा लेसन तो फिर से पूछा गया है, फर्स्ट टेस्ट में भी पूछा गया था, तो कोई बात नहीं, आपका और रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने कौन सा लेसन का रिवीजन कर लिया? हमने दूसरे का कर लिया और चौथे का कर लिया, बाकी रह गए कि 2 लेसन। तो अभी आज के दिन और कल के, आज के दिन तक मैं आपको 5वें लेसन का करा दूँगी, फिर आपको करवा दूँगी 8वें लेसन का। बच्चों जितना तुम मेरा, मैं जानती हूँ कई बच्चे देखते नहीं हैं, इससे बच्चों किसका नुकसान होगा, मेरा कि आपका? हमारी तबीयत ठीक है नहीं है तो भी हम रोज़ आते हैं और आपके लिए रोज़ रिवीजन भेजते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं। किसके लिए रख रहे हैं बच्चों? तुम्हारे लिए ना, ताकि अचानक से अभी एग्ज़ाम आएगी अक्टूबर में, क्या करोगे इतने सारे लेसन अगर अक्टूबर में करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं लेसन नंबर 5वां, जो कि आप कर चुके हो। ठीक है, अब लेसन नंबर 5वां देखो इधर, वो भी बायो का लेसन है। ठीक है, और ये लेसन पहले भी आ चुका है, जीवन की मूलभूत इकाई। आप जानते हो कि जीवन की मूलभूत इकाई, जीवों की मूलभूत इकाई कौन है? कोश है। आखिर उसको मूलभूत इकाई क्यों कहा जाता है, एक ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं कणासूत्र। क्या कहते हैं बच्चों? कणासूत्र। ठीक है, ये किसका अंग है? ये भी कोशिका का अंग है। आप जानते हो कि कोशिका एक कोशी भी हो सकती है, बहुकोशी भी होती है, लेकिन हमारा शरीर बहुत सारे कोशों से बना हुआ है, पता है ना? हमारा शरीर बहुत सारे कोशों से बना हुआ है, तो बहुकोशी है, हम सब बहुकोशी है, क्योंकि हमारी रचना जटिल है और बहुत सारे कोश, सिर्फ एक कोश सारा काम नहीं करता, लेकिन बहुत सारे कोश मिलजुल कर काम करते हैं, है ना? बहुत सारे कोश अगर मिलजुल के काम करते हैं तो काम जल्दी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो अभी मेरा जो प्रश्न है, जो एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम में और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं अगले मतलब पाठ में आपको जब कराऊंगी तो साइड में बोर्ड पे मैं लिख दूंगी कि ये प्रश्नों को तुम बार बार करो, इस लेसन में ये प्रश्न बार बार करो। ठीक है, तो आज का मेरा जो प्रश्न है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको हिंदी में कहते हैं कणासूत्र। कणासूत्र कोशिका का बिजली घर है, या तो उधर लिखा होगा पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? पावर हाउस मतलब जो बिजली प्रदान करे, है ना? आपके घरों में भी पावर हाउस ही, आपके घरों में बिजली आती है, तो आपके कणासूत्र को ही बिजली घर क्यों कहा गया है? अब उसका उत्तर देखते हैं। आपको पढ़ती भी जाती हूँ और मैं समझाती भी जाती हूँ, और अगर किसी को ऐसा लगे तो फिर इसमें से आप उत्तर देख सकते हो। आप मेरे साथ साथ जब पढ़ाई करो ना बच्चों, तो साथ साथ नोटबुक में लिखते जाओ, क्योंकि तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो कारण कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं कणासूत्र, दोहरी झिल्ली का बना होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब ये देखो, एक लेयर और उसके ऊपर एक और झिल्ली, में दो झिल्ली का बना होता है, डबल लेयर का बना होता है। तो जो बाहरी झिल्ली होती है वह छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली वलित होती है, वलित होती है। तो ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। मतलब अंदर ही अंदर क्या बनता है? एटीपी, एटीपी बनता है किसके अंदर? कणासूत्र के अंदर। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका देखो फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जाता है। तो जीवन के लिए जो भी अंतरी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। जितनी भी शरीर के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं करने के लिए, यौगिक बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा किस रूप में
स्टोर होती है वो स्टोर होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके रूप में जब भी समझो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे भूख लग रही है या मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन हमें बार बार ऐसा लगता है कि नहीं हमें भूख, मतलब आज मैंने खाना नहीं खाया है तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर कणाम सूत्र के अंदर एटीपी होता है, एटीपी ऊर्जा को संग्रहित करता है और हमारे जो भी काम है उनको काम करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। तो पावर किसके पास है, मतलब ऊर्जा किसके पास है, वो ऊर्जा है एटीपी के पास। और एटीपी किसके पास है, कणाम सूत्र में। इसके लिए कणाम सूत्र को बिजली घर कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कणाम सूत्र बिजली को बिजली घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कणाम सूत्र की जो रचना है वो दोहरी है, एक लेयर है और दूसरी लेयर भी है। तो और उसके अंदर क्या स्थित है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित है। तो हमारे जितने भी रासायनिक कार्य है या नए यौगिकों का निर्माण है तब एटीपी के रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके लिए कणाम सूत्र को यहाँ कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कर, कोशिका का बिजली कर कहा जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वैज्ञानिक कारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और एक और वर्ड है रचनात्मक और क्रियात्मक, इसका एक और है क्रियात्मक। तो आखिर कोशिकाओं को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, चलो पहले इसका उत्तर समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि हम सबका शरीर, बच्चों किसका बना हुआ है, हम सबका शरीर बना हुआ है कोशों के द्वारा। अब कोश मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरह के अंग बनाते हैं। अगर ये कोशिका ही नहीं होती तो ये सब कार्य संभव होता क्या, इतने सारी संरचना होती क्या, नहीं होती ना। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया, कोशिका और कोशिका के भीतर जो अंग हैं उनकी वजह से। हम उत्तर देते हैं कि कारण की प्रत्येक कोशिका की एक संरचना है, हर एक कोशिका की एक संरचना है जिसके द्वारा वे, अब इसी संरचना की मदद से मैंने आपको बताया कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, बताया ना, गोल्गी का है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःकोशिका रसजाल, ये सब बताया है। ठीक है, तो ये सब संरचना होती है, इसके अंदर अंग होते हैं और ये श्वसन, पोषण और अपिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या प्रोटीन बनाने में उपयोगी है। श्वसन में, सांस लेने में श्वसन तंत्र, पोषण तंत्र, पाचन तंत्र, इसके अलावा अपिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तंत्र या प्रोटीन बनाने में सहायक है। कौन सहायक है, कोशिका, क्यों, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर अंग है। ठीक है, और ऐसा उनकी झिल्ली और अंगों की वजह से होता है, कोशिका के अंदर इतने सारे जो अंग हैं उनकी वजह से ये सब चीज़ें संभव हो पाई है। कौन सी चीज़ें, श्वसन, पोषण, अपिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, उत्सर्जन, ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना, है ना। तो इसके लिए सजीव की जो मूलभूत इकाई है वो कौन है, कोशिका। बच्चों वो कौन है, कोशिका। और दूसरा प्रश्न आप अच्छे से करना, जो मैं मुख्य रूप में दे रही हूँ आपको, वो है प्राणी कोष एवं वनस्पति कोष में अंतर। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर का मतलब क्या होता है, कई बार इस बार भी एग्जाम में मैं आपको पेपर दिखा दूँ, आपको ये देखो पेपर में, फर्स्ट पेपर में हाँ ये देखो इस तरह से अंतर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अंतर दिए जाएंगे तो एक जगह ये छोटा है ये बड़ा ऐसे बताया गया है। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब अपोजिट। ठीक है, दूसरा है ये कोश केंद्रीय प्रदेश डैश और डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर इधर लिखा होगा, इसका सेम अपोजिट आपको लिखना पड़ेगा।
देखो बच्चों सब चीजें दी गई होती है, और देखो इस लेसन के और क्या पूछे जाते थे, वनस्पति कोष के नामा निर्देशित आकृति बनाओ, देखो है ना। अभी इस बार आ सकता है प्राणी कोष की आकृति, क्या आ सकता है बच्चों, प्राणी कोष की आकृति, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप पढ़ते रहोगे। अब इसके बाद थोड़ी देर में आपको ये लेसन के मैं और भी समझाऊंगी, ठीक है। आकृतियाँ ज़रूर कर लेना, प्राणी कोष और वनस्पति कोष, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।